जय हिंद साथियों, मैं उमेश हिराम टीचिंग के लिए टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट एवं जेआरएफ के लिए भूगोल की बेहतरीन क्लासेस अब मैं लेकर आ रहा हूं आपके अपने एग्जाम तर्कस यूट्यूब चैनल पर। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश हिराम एग्जाम तर्कस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। एक बार आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप सभी लोग कमेंट करिएगा। निधि सिंह गुड मॉर्निंग, दिलीप सिंह, सुप्रभात, कपिल राज चौहान, विशाल, अजीत, सभी लोगों का मैं देख पा रहा हूँ। एसपी यादव जी का है, सत्येंद्र जी का है, सभी लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया है। सरिता का मैं देख पा रहा हूँ, विशाल का है, कपिल राज चौहान, एसपी यादव, प्रिया सिंह, सपना, मनीष, विकास पत्रा, सभी लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया। एक बार आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। एक बार आप कमेंट करेंगे। मनोज कुमार जी का है, राहुल जी हैं, बिल्कुल, सुधांशु गुप्ता का है, अभिषेक का है, वंदना का है, जावेद का है, अनम खान है, सभी लोगों का आने लगा। सबको मेरा गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, और सब कुछ सही है इसकी पुष्टि आप लोग करें। नागेंद्र कुमार जी का आल क्लियर आ रहा है, निधि जी का आल क्लियर आ रहा है, विशाल का है, सुग्रीव जी का है, प्रेम शंकर जी का है, विनोद जी हैं, नागेंद्र, अजीत, विकास, जय, पूजा चौरसिया, विवेकानंद, शंकर लाल, सभी लोगों का मैं देख पा रहा हूँ कि आ रहा है, यहाँ पर सब कुछ सही है। आइए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को, और आज की जो क्लास है वो ज्वालामुखियों पर आधारित है। बस ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे। गणेश चौरसिया जी का, राजकुमार, सभी लोगों का मैं देख पा रहा हूँ कि आ रहा है कि ऑल क्लियर। चलिए आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आप लोगों का रहने वाला है ज्वालामुखी पर आधारित, और आप लोग अगर पेपर सॉल्व करें तो ज्वालामुखी कोई भी एग्जाम हम लोग देने जाते हैं, निश्चित रूप से वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ज्वालामुखियों को हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्लियर करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ ज्वालामुखी, यहाँ पर वेल्केनो, और आप लोग भी नया चैप्टर है ज्वालामुखी वेल्केनो बना लेंगे। ज्वालामुखी ध्यान दें, कोई भी चैप्टर जब आप पढ़िए तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब चैप्टर हमारा शुरू हो, जब हमारा चैप्टर शुरू हो तो जो भी चैप्टर का नाम रखा गया है वो चैप्टर का नाम निश्चित रूप से रखा गया होगा, जो भी टॉपिक उसमें क्लियर करना है, जो भी तथ्य आप लोगों को पढ़ने हैं उसी पर आधारित होगा, ये निश्चित रूप से आप जानते हैं और कहेंगे भी। नाम से स्पष्ट क्या हो रहा है, ज्वालामुखी, ज्वाला मतलब अग्नि हो गया, मुखी मतलब मुख हो गया, मतलब कोई ऐसा मुख होना चाहिए जहां से ज्वाला निकले। जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं तो आग लग जाती है, मार पिटैया होने लगती है, झूठा उपरौरिया होना शुरू हो जाता है, फाइटिंग फाइटा होने लगता है। तो अगर आप लोग देखें कि जब आप बोलते हैं तो भी इस तरह की चीज़ें, उदाहरण दिया जाता है, बिल्कुल ज्वालामुखी है ये। तो ज्वालामुखी का मतलब कि ऐसा मुख जहाँ से अग्नि का उद्गार हो उसे हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी। यही आप लोगों का वेल्केनो आया। तो वेल्केनो जो इटली वाला एरिया है, भूमध्य सागर की एरिया है, या फिर सिसिली द्वीप है, यहाँ पर वोल्कन देवता है, अग्नि की देवता है वोल्कन, और कहा जाता है कि यही देवता पूरे भट्टियों को सुलगाए हैं और जगह जगह से पूरे संसार में ज्वालामुखियों का उद्गार होता है। लेकिन हम लोग वास्तविकता पर चलें, जहाँ से आप लोगों के परीक्षाओं में प्रश्न भी बनते हैं, हम लोग देखें कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करें, है ना। आइए, ज्वालामुखी कहते किसे हैं, पहले इस तथ्य को हम लोग देखें, इस पॉइंट को हम लोग देखें कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे, ज्वालामुखी का तात्पर्य, ज्वालामुखी
से तात्पर्य, ज्वालामुखी का तात्पर्य लिखिए, ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होता है, से होता है जिसके जिसके माध्यम से माध्यम से जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक भाग से तप्त गैस विखंडित पदार्थ विखंडित पदार्थ लावा एवं जलवाष्प जलवाष्प का निर्गमन निर्गमन होता है। देख, अगर कोई कहे कि ज्वालामुखी है क्या, तो आप कहिए ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से तप्त गैस विखंडित पदार्थ लावा एवं जलवाष्प का निर्गमन होता है, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कह देते हैं, उसी को आप लोग क्या कहेंगे, ज्वालामुखी। तो ये तो सिंपल सा आप लोगों का परिभाषा हो गया। बिल्कुल सुधांशु गुप्ता कह रहा है कि सर देखिए मेरा सही है, धूल के कण बिल्कुल और ज्यादा हो गया, नियमित रूप से निकलते रहते हैं, सही है। तो इस आधार पर आप लोग देखें कि ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से तप्त गैस विखंडित पदार्थ लावा जलवाष्प आदि का निर्गमन होता रहता है, उसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। अब ये जो निर्गमन है, इस निर्गमन में क्या क्या निर्गमन होता है, क्या क्या निकलता है, अब इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को आप लोग देखें, या ज्वालामुखी से निर्गमित पदार्थों को आप लोग देखें, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ निकलने वाले पदार्थ ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ अब ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ हैं उन्हें सामान्यतः कितने भागों में हम लोग बांटते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को सामान्यतः हम लोग कितने भाग में बांटेंगे, बिल्कुल रेशमा यादव क्या है आपका, बिल्कुल रेशमा जी उस पर काम चल रहा है, और संडे को कुछ स्पेशल क्लास आप लोगों की कल रहेगी भी एप्लीकेशन पे झारखंड के लिए कुछ स्पेशल क्लास रहेगी आप लोगों की, है ना, इसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी टेलीग्राम पे। चलिए आगे चलते हम लोग, बिल्कुल लोकेंद्र सिंह का भी परिभाषा आ रहा है आप लोग परिभाषा भी देना शुरू कर दिए हैं। चलिए काजल सिंह का आ रहा है कि तीन भाग में बांटा जाता है, संतोष कुमार जी का तीन भाग में आ रहा है, बिल्कुल आइए
अब हम लोग देखें ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। कितने श्रेणियों में विभक्त किया जाता है? तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं तीन श्रेणियों में, तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से तीन श्रेणी होंगे? तो यहां पर आप लोग देखें एक नंबर पे आप लोग लिखेंगे, एक नंबर पे गैस एवं जलवाष्प, गैस एवं जलवाष्प। ध्यान से देखें, परीक्षा में प्रश्न यहां से बनता है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को आ जाता है विखंडित पदार्थ, विखंडित पदार्थ। और तीसरे नंबर पे आप लोगों का आ जाएगा लावा, तीसरे नंबर पे आएगा लावा। अब इन्हीं तीनों को आप लोगों को ध्यान से देखना, बिल्कुल फ्रेमिंग ही आप लोगों का पूरा काम कर देगा। इसको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बहुत लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, बस फ्रेमिंग में आप लोग देखें। आप लोग देखें यहां पर गैस एवं जलवाष्प है, तो जो गैस एवं जलवाष्प है, सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं, गैस एवं जलवाष्प को। हम लोग देखें यहां पर ज्वालामुखी उद्भेदन के समय, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, सल्फर के ऑक्साइड SOX लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा, इसका मतलब होता है सल्फर के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOX लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा, जहां X लग जाता है वो ऑक्साइड हो जाता है। आदि कई और गैस निकलेंगे, जैसे ओजोन गैस भी निकलती है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है ना। नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड हैं सब इसी में आ जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे बोले तो सल्फर के ऑक्साइड इसी में आप लोगों के मिल जाएंगे, जितने भी ऑक्साइड हैं सब निकलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि ये निकलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ लिखने से पहले मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, जो आप लोग के परीक्षाओं में पूछा भी गया है। प्रश्न ये है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? अगर हम ऑप्शन बनाएं, ऑप्शन ए में गैस बना दें और ऑप्शन बी में जलवाष्प, ऑप्शन सी में विखंडित पदार्थ और ऑप्शन डी में लावा बनाएं, अलग से मैं बना रहा हूं यहां पे, यहां पे ए बना दिया जाए गैस को और बी बना दिया जाए जलवाष्प को, सी बना दिया जाए विखंडित पदार्थ को और डी बना दिया जाए लावा को, तब आप लोग क्या उत्तर करेंगे? एक बार आप लोग उत्तर करिएगा। बिल्कुल, लोकेंद्र सिंह का आने लगा सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है, ऐसा करके आ रहा है। बिल्कुल, चलिए यहां पर बताएं आप लोग, सुधांशु गुप्ता का 60 से 90 सर्वाधिक मात्रा में निकलता है, बिल्कुल जलवाष्प, जलवाष्प आप लोग लाइन लगा दिए हैं। आप लोगों को कहानियां ज्वालामुखी की पढ़ा दी गई है, उसका प्रभाव आप लोगों के ऊपर साफ साफ दिख रहा है कि धुआंधार तरीके से आप लोग कर रहे हैं। यहां पर आप लोग ध्यान रखें, प्रश्न बनता है आपके परीक्षा में, पेपर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा कि ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जलवाष्प होता है। यहां ध्यान दें कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार के समय, समय जलवाष्प, जलवाष्प सर्वाधिक, सर्वाधिक 60 से 90 प्रतिशत निकलता है,
यह ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में जो निकलने वाला पदार्थ है वो जलवाष्प है। ऐसा क्यों? सिंपल सा, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जल स्रोत होते हैं, है ना, फिर बारिश होती है, और ज्वालामुखी जब ऊपर की तरफ उद्गार करता है उसका टेम्परेचर, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और जब भी उसमें जल जाता है तब ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर उसमें गैस भी ना निकले, विखंडित पदार्थ भी ना निकले, लावा ना निकले, तो भी जलवाष्प लगातार निकलता रहता है। इसलिए ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक 60 से 90 प्रतिशत जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? तो जलवाष्प की होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यही आप लोग देखें विखंडित पदार्थ, तो इस विखंडित पदार्थों को आप लोग पुनः कितने भागों में बांटते हैं? तो विखंडित पदार्थों को पुनः आप लोग 4 भागों में बांट देते हैं। विखंडित पदार्थों को पुनः कितने भागों में बांटा जाता है? तो विखंडित पदार्थों को पुनः हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। यहाँ ध्यान से देखें, कितना भाग बनाएंगे? 4 भाग बना देंगे विखंडित पदार्थों का। कौन कौन से 4 भाग बनाएंगे विखंडित पदार्थों का? तो एक नंबर पे आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर टव, फिर आप लोगों का लैपिली लिख लेंगे, लैपिली, फिर आप लोग लिखेंगे बाम्ब, फिर आप लोग लिख लेंगे ब्रेशिया। ये 4 प्रकार के विखंडित पदार्थ निकलते हैं। ये जो 4 प्रकार के विखंडित पदार्थ निकलते हैं, अगर इनके आकृतियों की बात किया जाए तो इनकी आकृतियां, ये बिल्कुल धूल के जो कण होते हैं, धूल और राख के कण होते हैं, उन्हें टफ कहा जाता है। यहां पर मैं लिख दूं, आप लोग लिख लीजिएगा, धूल राख के कण, जो धूल राख के कण होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। लैपिली क्या होता है? मटर के दाने के आकार के जो छोटे छोटे कण ज्वालामुखी उद्भेदन के समय निकलते हैं, उन कणों को आप लोग किस नाम से जानते हैं? उसे आप लोग लैपिली कहते हैं। तो मटर के दाने के समान जो कण होंगे, विखंडित पदार्थ होंगे, उसे क्या कहा जाता है? उसे आप लोग लैपिली कहते हैं। बाम्ब क्या होते हैं? जो बड़े बड़े चट्टानी खंड हो गए, जैसे इतने बड़े बड़े, जो बड़े बड़े चट्टानी खंड होंगे, तेजी से धमाका के समय निकलेंगे, उसे आप लोग बाम्ब कहते हैं। बड़े बड़े चट्टानी खंड, बड़े बड़े चट्टानी खंड को आप क्या कहते हैं? बाम्ब कहते हैं। जबकि ब्रेशिया की बात किया जाए तो ब्रेशिया कोड़ाकृत होगा, कोण की कोई ना कोई आकृतियां लेगा, या आप लोग इसे बोल सकते हैं कि यह चिप्पी है, है ना, तो यह कोड़ाकृत होगा। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कोड़ाकृत, कोड़ाकृत होगा। जैसे आप लोग ब्रेशिया को कहां देख सकते हैं? जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होगा ना, तो कुछ चिप्पियां उड़ती हैं। चिप्पियां कहने का मतलब कि जो पतले पतले आप लोग देखते हैं, जब फेंकते हैं तो दूर तक जाए, उसे चिप्पियां कहते हैं। या तालाबों में जाते थे आप लोग, ऐसे मारते थे तो उसमें कई बार वो कूदते हुए तालाब में जाता था, तो उसी को आप लोग ब्रेशिया कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार में निकलने वाले पदार्थों के अंतर्गत रखते हैं। तो ध्यान रखें, विखंडित पदार्थों के अंतर्गत हम लोग टफ, लैपली, बाम्ब और ब्रेशिया को देखते हैं। टफ क्या होता है? धूल राख के कण होते हैं। लैपली क्या होता है? मटर के दाने के समान के जो कण होते हैं उनको कहा जाता है। बम्ब क्या होते हैं? बड़े बड़े चट्टानी खंड होता है। और ब्रेशिया क्या होता है? जो कोड़ाकृतियां होती हैं उन कोड़ाकृतियों को ब्रेशिया के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। अब लावा को हम लोग देखें, तो जो लावा है, इस लावा को अगर देखें कि लावा क्या है, लावा क्या है, तो ये हमारा, हमारी पृथ्वी हो गई ऐसे, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और इस भाग को आप लोग कहेंगे कि यह आपका क्रस्ट है। यह क्या है? क्रस्ट है। और इस क्रस्ट के आंतरिक भागों में अगर देखा जाए, इस आंतरिक भाग को अगर देखा जाए तो यहां से जो मैग्मा होता है, ये मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है, तो इस भाग को आप लोग मैग्मा वाला भाग, या फिर इस भाग को आप लोग बोल देते हैं, ये जो भाग है
इसी को आप बोलते हैं स्थेनोस्फेयर, स्थेनोस्फेयर बोलते हैं। और इसी स्थेनोस्फेयर में जो द्रवित पदार्थ है, इस द्रवित पदार्थ को आप लोग कहते हैं मैग्मा, जो आप लोगों से पूछा भी जाता है मैग्मा। और यहीं से जो मैग्मा है ये निकलकर हमारे पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ऐसे आ जाता है, हमारे पृथ्वी पर इस तरह से ऊपरी भाग पर आके ऐसे जमाव करता है। जमाव करता है ना, ऐसे जमाव करेगा। तो जो बाहर की तरफ निकल जाएगा पदार्थ, इसी को आप लोग नाम क्या देते हैं, इसी को आप लोग नाम देते हैं लावा। ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनता है आपके परीक्षाओं में कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में द्रवित पदार्थ को क्या कहते हैं, मैग्मा। वही भाग जब ऊपर पृथ्वी के धरातल पर आकर जमाव करता है तो इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। या ज्वालामुखी में हम आगे देखें कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें भी हम लोग देखे थे और चट्टानों में भी हम लोग देखे थे, इसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और इसी के अपक्षय अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण होता है, आप कमेंट करके हमें बताएं कि इस वाले भाग को कहा क्या जाता है। तो इस वाले भाग को कहा जाता है बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। और इस बाह्य आग्नेय चट्टान के अपक्षय अपरदन से किस प्रकार के मिट्टी का निर्माण होता है, एक बार आप लोग कमेंट करेंगे कि किस प्रकार के मिट्टी का निर्माण होता है। एक बार मैं देखना चाह रहा हूं आप लोगों का कि क्या उत्तर लगाते हैं आप लोग, किस प्रकार के मिट्टी का निर्माण होगा। यहां पर आप लोग बताएं, बाह्य आग्नेय चट्टान या फिर लावा के अपक्षय अपरदन से किस प्रकार की मिट्टी। सबसे पहले विशाल विशु का आ रहा है ब्लैक लिख के, लोकेंद्र सिंह जी का ब्लैक सॉयल आ रहा है बिल्कुल, विनोद यादव जी का काली मिट्टी का आ रहा है, सचिन जी का काली आ रहा है, मनोज कुमार बेसाल्ट लिख के भेज रहे हैं ब्लैक सॉयल, संजय पांडे जी का आ रहा है, दिलीप जी का आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों का आ रहा है काली मिट्टी। देखिए कितना आसान सब चीजें होता चला जा रहा है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट पहले से भी था, लेकिन अब ये सब फुटकरिया टाइप के प्रश्न आप लोगों के लिए लगने लगेंगे। इस टाइप के प्रश्न खूब पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते यही होता है अभ्यास, अभ्यास करते करते, पढ़ते पढ़ते, देखते देखते बहुत सी ऐसी चीजें जैसे लगता होगा कि इसका क्या मतलब है, और बहुत लोगों को वही प्रॉब्लम करता है और आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात है नहीं। तो काली मिट्टी का निर्माण होता है जिसमें कपास की खेती होती है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, घास फूस से ढकने वाली मृदा के नाम से आप लोग जानते हैं, है ना, सर्वाधिक जल धारण करने वाली मिट्टी बन जाती है। भारत में इसका विस्तार देखा जाए तो विदर्भ वाले क्षेत्रों में मिल जाता है। तमाम जो भी प्रश्न बनते हैं वो सब कुछ आप लोग कर पाएंगे। ऐसा उदाहरण, ऐसा एग्जाम्पल भारत में कहाँ मिलता है, दक्कन ट्रैप वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ आप लोगों को ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के अंतर्गत रखना पड़ेगा। यहां तक आप लोगों का हो गया होगा, यहां तक हो गया होगा आप लोगों का, यहां तक क्लियर कर लीजिएगा। अब हम लोग सिलिका के आधार पर लावा को दो प्रकारों में हम लोग बांटते हैं, एक अम्लीय लावा और दूसरा क्षारीय लावा, जो आप लोगों का लावा है। इसको थोड़ा सा मुझे और डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि यहां से प्रश्न आप लोगों का बनता है। आगे चले हम, आगे आप लोग यही जो पढ़ रहे हैं लावा की बात, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सिलिका के आधार पर, सिलिका के आधार पर, आधार पर लावा को दो भागों में, दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में भाई, दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अभी आप लोगों के परीक्षा में प्रश्न बना था कि लगभग सभी प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, कौन पाया जाता है, सिलिका, सिलिका बोले तो बालू। और इसी सिलिका के आधार पर आप लोग चट्टानों में भी देखे थे कि सिलिका के आधार पर जो चट्टाने होती हैं उन्हें सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक अम्लीय या दूसरा क्षारीय। जो अम्लीय प्रकृति की हो रही थी उसमें सिलिका की मात्रा 65 से लेकर 85% तक या 80% तक आप लोग देख रहे थे, जबकि आप लोग
दूसरे नंबर पे जो क्षारीय प्रकार की थी, बेस वाली थी, उसमें सिलिका की मात्रा घट गई 45 से लेकर 64% तक। आप लोग देखें जो ग्रेनाइट थी वो किस प्रकार की चट्टान थी, वो अम्ली थी, और बेसाल्ट कैसी चट्टान थी, क्षारीय चट्टान थी। तो उन्हीं को फिर से आप लोगों को एक बार क्लियर करना है, फिर से आप लोगों को देखना है। और सिलिका सभी प्रकार के भागों में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। दो भागों में आप लोग बांट रहे हैं, एक नंबर पे आप लोग यहां पर बनाएंगे अम्लीय लावा, एक नंबर पे आप लोग बनाएंगे अम्लीय लावा, एसिडिक लावा। ये आप लोगों का एसिड हो गया, एसिड लावा हो गया। अब एसिड लावा या अम्ली लावा को अगर देखा जाए तो इस प्रकार का आप लोगों को जो एग्जाम्पल है चलिए इस प्रकार का एग्जाम्पल आप लोगों को इस प्रकार का लावा अगर आप लोग देखें कि आप लोगों को कहां पर मिलता है तो इटली का जो स्ट्रोम्बोली है वहां पर मिल जाएगा। सीधा एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा जाएगा इटली का स्ट्रोम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। इटली का स्ट्रोम्बोली, फ्रांस का पाइडिडोम है, फ्रांस का ये आप लोगों को एग्जाम्पल मिल जाते हैं, फ्रांस का पाइडी डोम हो जाएगा, है ना। ये आपको ग्रेनाइट टाइप के मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। जितने भी अम्लीय प्रकार के होंगे, जो अम्ल प्रकार के होंगे, ये ग्रेनाइट के होंगे, मैं ये पढ़ा चुका हूं चट्टानों में आप लोगों। और दूसरे नंबर पे आप लोगों का जो आएगा वो क्षारीय लावा होगा, क्षारीय लावा होगा, जो क्षारी लावा होगा ये बेसाल्ट का होगा, क्षारी लावा, इसे हम लोग बेस कहते हैं, इसे आप लोग बेस लावा के नाम से जाने। और क्षारी लावा का अगर आप लोग एग्जांपल देखें तो हवाई द्वीप पर जो मोना लोवा है इसे आप लोग देख सकते हैं, हवाई द्वीप पर मोना लोवा है। और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है भारत का दक्कन ट्रैप, भारत का दक्कन ट्रैप जो सबसे ज्यादा आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये किसका बना होगा, स्वाभाविक सी बात है आप लोग बोलेंगे कि सर बेसाल्ट का बना होगा, किसका होगा, बेसाल्ट, ध्यान रखिएगा बेस बेसाल्ट। स्वाभाविक सी बात है कि एसिड ग्रेनाइट अपने आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये लावा के आधार पर आप लोगों का हो गया, जो लावा आप लोग देख रहे थे। ऐसे कई एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएगा, कई एग्जाम्पल आप लोगों को ऐसे मिल जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं ज्वालामुखियों का जो अंग है उसे थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर ले, देख लें। और ज्वालामुखी से बनने वाली जो आकृतियां हैं उसे हम बिल्कुल लास्ट में लेके चलेंगे। हेडिंग बनाएंगे आप लोग ज्वालामुखी के अंग, हेडिंग बनाएंगे ज्वालामुखी के अंग, ज्वालामुखी के अंग। अब हम लोग देखेंगे कि ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग होते हैं और ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है और कौन कौन से नाम हैं इनके। तो ज्वालामुखियों के अंगों को पहले आप लोग क्लियर करेंगे, ज्वालामुखी के अंग को सबसे पहले आप लोगों को देखना है। हम लोग ले लें इस भाग को यहां से, ये हमारी पृथ्वी की सतह है और ये ज्वालामुखी पाइप बन जाए, है ना, ये ज्वालामुखी पाइप आप लोगों के सामने बन जाए। ये जो भाग हम लोग देख रहे हैं ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है,
यहाँ से, जैसे आप लोग ट्रस्ट के नाम से जानते हैं, ये आप लोगों को मिल रहा है क्रस्ट। अभी आप लोगों ने देखा कि क्रस्ट के नीचे अगर हम लोग चलें यहां पर, तो यहां पर आप लोगों को एस्थेनोस्फेयर मिल रहा है, जहां पर भरा है मैग्मा। पूरा खेल इसी का है, क्योंकि इसी को मैं आप लोगों को बताया था कि इसी को आप लोग ज्वालामुखियों का घर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ज्वालामुखियों का घर कहते हैं। तो ये जो भाग है, ये है आपका एस्थेनोस्फेयर, स्फीयर, दुर्बलता मंडल, पिघला मंडल, इस तरह से आप लोग बोलते हैं। और यही आप लोगों का होता है ज्वालामुखियों का घर। मैं पढ़ाया हूं चट्टानों में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ाया हूं ज्वालामुखियों का घर। इसे आप लोग क्या कहते हैं? इसे ज्वालामुखियों का घर कहते हैं। और इसी भाग में जो द्रवित पदार्थ होता है, इस द्रवित पदार्थ को हम लोग बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? इसी द्रवित पदार्थ को हम लोग मैग्मा कहते हैं। और प्लेटों के चलने से जहां पर हल्की प्लेटें मिलती, वहां से तोड़ के बाहर की तरफ ये मैग्मा बाहर की तरफ आना प्रारंभ कर देता है। इस नली के माध्यम से यहां से निकलेगा, और इस नली के माध्यम से यह मैग्मा कहां निकलेगा? बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और जब बाहर निकलता है ये मैग्मा, तो इधर के तरफ बहना शुरू कर देता है, निकलता जाएगा, और ऐसे ये बहता चला जाएगा, और इसका जमाव भी निरंतर इसी टाइप से चलता जाएगा, और ये शंकु की आकृति में लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता भी जाएगा और निकलता भी जाएगा। ऐसे ये मैग्मा यहाँ से निकलता चला जाएगा, और निकलते निकलते यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाइयों पर पहुँच जाएगा, और यहाँ से पुनः निकल के ये बाहर की तरफ ऐसे निकलता रहता है और बहता रहता है। इस तरह से बहता रहेगा, ऐसे निकल के बहता रहेगा। अब इससे बनने वाली जो स्थलाकृति होगी, इस बनने वाले स्थलाकृति को आप लोगों से पूछा जाता है कि बनने वाली आकृति क्या है, तो इसी को आप लोग कहते हैं ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं आप लोग। ये जो भाग है ये क्या है? तो ये है ज्वालामुखी पाइप, ज्वालामुखी पाइप है। इसी ज्वालामुखी पाइप आगे आएगा हम लोगों का। इसी ज्वालामुखी पाइप के माध्यम से जो मैग्मा है वो निकलता है और निकलकर बाहर की तरफ जाता है। और जो ये पूरा का पूरा आप लोग जमाव देख रहे हैं ना, इस पूरे जमाव को आप लोग बोलते हैं लावा। इसे क्या बोलते हैं आप लोग? लावा। तो ज्वालामुखी पाइप, ज्वालामुखी शंकु आप लोगों को मिल रहा है ना, ज्वालामुखी पाइप और ज्वालामुखी शंकु आप लोगों को मिल रहा है। अब यहां पर हम लोग देखें कि ये जो भाग आप लोगों को दिख रहा है, इस वाले को आप लोग क्या कहते हैं? इसे आप लोग कहते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी छिद्र बोलते हैं, या इसी ज्वालामुखी छिद्र को आप लोग बोलते हैं ज्वालामुखी का मुख। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी का मुख बोलते हैं। अब जो ज्वालामुखी का मुख होता है, इसे थोड़ा सा माइंड करें कि जो ज्वालामुखी मुख होगा या छिद्र होगा, इसे हम सामान्यतः दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं भाई? दो भागों में बांटते हैं। जरा आप लोग कमेंट करें कि इन दोनों भागों को आप किन किन नामों से जानते हैं, इन दोनों भागों को किन किन नामों से जानते हैं। तो एक आप लोगों का होगा छोटा मुख, और दूसरा आप लोगों का होगा बड़ा मुख। एक होगा छोटा मुख, एक छोटा मुख होगा और दूसरा बड़ा मुख होगा। इसमें आप लोग बताएं कि छोटे मुख को, ज्वालामुखी के छोटे मुख को किस नाम से जानते हैं और बड़े मुख को किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, ज्वालामुखी कौन हो जाएगा? पाइप हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, क्रेटर हो जाएगा,
और छोटे मुक्को को क्या कहते हैं? किरण जी, बिल्कुल क्रेटर कहते हैं। और बड़े मुक्को को क्या कहते हैं? लोकेंद्र जी, क्रेटर कालडेरा। सुधांशु गुप्ता, छोटा मुख, बिल्कुल। यहां पर आप लोग ध्यान रखें कि जो छोटा मुख होगा उसे किस नाम से जानते हैं और बड़े मुख को किस नाम से जानते हैं। तो जो छोटा मुख है इसे आप लोग कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। और जो बड़ा मुख होता है उसे आप लोग क्या कहते हैं? उसे आप लोग कहते हैं कालडेरा। उसे क्या कहते हैं? कालडेरा कहते हैं। तो छोटा मुख क्रेटर, ज्वालामुखी के मुख को किस नाम से जानते हैं, या क्रेटर किससे संबंधित है? ज्वालामुखी के मुख से। कालडेरा किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी के बड़े मुख से संबंधित है। जैसे जापान का आसो कालडेरा बहुत फेमस है, बहुत बड़ा है। इसे हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं, चित्र के माध्यम से यहां पर बनाते हैं, फिर देखते हैं इसे। अब यहां पर मैं आप लोगों के सामने एक कालडेरा का चित्र बनाता हूं, आप लोगों को भी बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखते रहें, आपके सामने कालडेरा रेडी हो जाएगा। आप लोग बनाइए या फिर देखते रहिए, बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग हैं ज्योग्राफी के शिक्षक और आप लोगों को चित्र बनाने बनाना आना चाहिए, है ना। और ज्योग्राफी फिगर पर ही आधारित है, और जब हम लोग नहीं बना पाएंगे तो बनाएगा कौन। अब देखिए इस वाले भाग को आप लोग बोलते हैं, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, इसी को आप लोग बोलते हैं कि यह है आपका कालडेरा। इसे क्या आप लोग बोलेंगे? इस वाले भाग को आप लोग बोलेंगे, ये जो भाग है इसे आप लोग बोलेंगे कि यह है कालडेरा। यह क्या है? कालडेरा। कालडेरा है क्या? ज्वालामुखी का बड़ा मुख है। अब इसी कालडेरा में कभी कभी होता ऐसा है कि ये ज्वालामुखी का उद्गार तो हो जाता है, और ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद पुनः एक बार फिर से उद्गार हो जाता, और फिर से ज्वालामुखी के कालडेरा में फिर से क्रेटर का निर्माण हो जाता है छोटे मुख का, जिससे आप लोग अगर ये बन जाए तो इस वाले भाग जब ये बनेगा तो ये घोंसले की तरह दिखने लगता है, जैसे लगता है घोंसले में कोई पक्षी आके बैठ गया। तो इसलिए अगर उसमें इस तरह का मतलब कालडेरा के पुनः अंदर क्रेटर का अगर निर्माण होता है तो इसे आप लोग घोंसलादार कालडेरा कहते हैं, घोंसलादार कालडेरा कहते हैं। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि ज्वालामुखी, आप लोगों से प्रश्न बनेगा कि कालडेरा के अंदर पुनः क्रेटर का निर्माण होना क्या कहलाता है, तो इसे घोंसलादार कालडेरा कहते हैं। सिंपल सा, इसमें अगर घोंसलादार नहीं है मतलब फिर से नहीं बना, तो आप लोग देखेंगे इसे हम लोग कालडेरा के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कालडेरा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, बड़े मुख में वर्षा का जल जमा होने के कारण ज्वालामुखी झीले बन जाती है, बिल्कुल अभी उस पर चर्चा हम करेंगे। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कालडेरा, घोंसलादार कालडेरा आप लोगों को मिल रहा होगा। कालडेरा का जो सबसे अच्छा उदाहरण आप लोगों को मिल जाता है वो कहां का मिलता है, कोई कमेंट करके बताए। कालडेरा का सबसे अच्छा आप लोगों को उदाहरण जो मिलेगा वो कहां का मिलेगा, कालडेरा का एक एग्जाम्पल आप लोग बताएं। जापान में है, जापान का आसो कालडेरा, बिल्कुल कालडेरा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेगा जापान का आसो कालडेरा, है ना। अब देखिए, अब इसी भाग में या क्रेटर में बात कर लें या फिर कालडेरा में बात कर लें,
जब इसमें जल भर जाता है, जब इसमें पानी भर जाएगा, जल भर जाएगा, तो इससे निर्मित जो झील बनेगी उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उससे क्रेटर निर्मित झील या कालडेरा निर्मित झील कहते हैं। और जल भरने के वजह से इसका, इसमें झील का निर्माण हो जाता है। इसके तमाम उदाहरण आप लोगों को मिल जाते हैं, इसके तमाम उदाहरण आप लोगों को मिल जाते हैं, जो दक्षिण जो अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील है, उस विक्टोरिया झील को भी क्रेटर निर्मित झील ही मानी जाती है। और हमारे महाराष्ट्र की लोनार जो झील है उसे भी क्रेटर निर्मित झील मानते हैं। तो तमाम ऐसी झीलें हैं जिसे क्रेटर निर्मित झील मानते हैं, आगे हम आप लोगों को बताएंगे भी, आप लोगों को क्लियर कराएंगे, है ना। तो क्रेटर निर्मित झील हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया तो मैं आप लोगों को आगे लेके चलूं। अब सक्रियता के आधार पर हम ज्वालामुखियों को देखें। बिल्कुल लोकेन्द्र जी का आ रहा है हासो, मैक्सिमम सभी भाइयों का आ रहा है। शंकर लाल, भूगोल में जड़ बैठा कर दी सर जी, बिल्कुल जड़ बैठ जाएगा, परेशान मत होइए आप शंकर लाल, बस ध्यान से आप चीजों को देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सब कुछ आप लोगों के माइंड में सेट होता चला जाएगा, क्लियर होता चला जाएगा, ना सब कुछ आप लोगों का क्लियर होता चला जाएगा। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम मेरे भाई एक तरफ से कर रहे हैं अभी, तो ये सब चीजें आप लोगों के माइंड में सेट किया जा रहा है। अभी बहुत सी चीजें हैं जो धीरे 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 करके हमारे माइंड में सेट होंगी। ये आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को लेके चलूं ज्वालामुखियों के प्रकारों की तरफ, ज्वालामुखी का जो प्रकार है उसके तरफ हम आपको लेके चलते हैं। तो यहां पर आप लोग हेडिंग बनाएंगे ज्वालामुखी का प्रकार, ज्वालामुखी का प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि ज्वालामुखियों के जो प्रकार होते हैं वो कितने भागों में आप लोग बांटते हैं। चलिए, ज्वालामुखी को कितने भागों में आप लोग बांटते हैं, कितने प्रकारों में आप लोग बांटते हैं, कमेंट करके हमें आप लोग बताएं। अब देखिए ज्वालामुखी के प्रकारों को अगर देखा जाए तो इसे कई भागों में हमारे वैज्ञानिक बांटते हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से ज्वालामुखियों के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। अब कोई कहे कि ये दो प्रकार होते कौन कौन से हैं, तब आप कहिए कि एक प्रकार होता है, एक प्रकार होता है सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर, आधार पर, और दूसरा होता है उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर। अब हम लोग देखें कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को हम तीन भागों में बांटेंगे, उद्गार के आधार पर हम लोग दो भागों में बांटेंगे। सक्रियता के आधार पर हम लोग जो तीन भाग बनाएंगे वो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी को बनाएंगे, ठीक ना। जबकि उद्गार के आधार पर जो हम लोग बांटेंगे वो दो भाग बांटेंगे, एक विस्फोटक रूप में आप लोग देखेंगे, जो उद्भेदन के आधारों पर आप लोग क्लियर करेंगे देखेंगे, जो काफी विनाशकारी होती है, और दूसरा आप लोग दरारी उद्भेदन देखेंगे। तो दो प्रकार आप लोग यहां पर देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, कितने प्रकार लिखेंगे, दो प्रकारों को आप लोगों को क्लियर करना रहेगा, दो प्रकारों को आप लोगों को देखना रहेगा। बिल्कुल, दो प्रकारों को, उद्गार के आधार पर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी को आप लोगों को एक क्लियर करना रहेगा, और दूसरा आप लोगों को कौन सा करना रहेगा, तो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। जो केंद्रीय उद्गार वाले होते हैं वो काफी सक्रिय होते हैं और विनाशकारी भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा, सुधांशु गुप्ता जी कह रहा है कि सर मेरा देखिए, काफी उत्सुक दिख रहे हैं मुझे लग रहा है, और बिल्कुल चलिए, बिल्कुल आ जाइए। अब हम लोग देखते हैं यहां पर सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को आप लोग देखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, यहां पर हेडिंग आप लोग बनाएंगे, यहां पर
सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर क्या लिखा गया है? सक्रियता के आधार पर लिखा गया है। और सक्रियता के आधार पर हम ज्वालामुखियों को कितने भागों में बांटते हैं? तो सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर चलिए, सक्रियता के आधार पर हम लोग देखें तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से तीन भाग बनेंगे भाई? तीन भाग कौन कौन से बनेंगे? एक नंबर पे आप लोगों का खुद सक्रिय ज्वालामुखी आ जाएगा, सक्रिय या फिर जागृत ज्वालामुखी आ जाएगा, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो क्या आ जाएगा? एक्टिव वोल्केनो आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे आप लोग आएंगे तो आपके सामने आ जाएगा प्रसुप्त या फिर सुषुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जिसे आप लोग कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो। और तीसरे नंबर पे जो आपकी ज्वालामुखी आ जाएगी, इसे आप लोग शांत या फिर मृत ज्वालामुखी कहते हैं। शांति अमृत ज्वालामुखी कहते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। तो सक्रियता के आधार पर हम लोग ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटते हैं? सक्रियता के आधार पर हम ज्वालामुखी को तीन भागों में बांटते हैं, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत या मृत ज्वालामुखी, एक्टिव डारमेंट एक्सटिंक्ट वोल्केनो के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां थोड़ा सा आप लोग माइंड करेंगे कि सक्रियता के आधार पर हम ज्वालामुखियों को तीन भागों में बांटते हैं। हल्का सा मैं डिफिनेशन देता हूं, आप तथ्यों को समझें, फिर इसके एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो प्रश्न हमारे बनते हैं वो सबसे ज्यादा आप लोगों के बन जाते हैं उसके एग्जाम्पल से, कि यह ज्वालामुखी कहां पर है, इस ज्वालामुखी की विशेषता पूछ ली जाती है जो इसके अंतर्गत आती है। जैसे आप लोगों से स्टम्बोली ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी आप पूछ लेता है, किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, स्टम्बोली को कहते हैं ना। तो तमाम ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो बनते चले जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। तो जो ज्वालामुखियों में उद्गार के बीच में जो अवकाश होता है उसके आधार पर ये आप लोगों के लिए तीन प्रकार बताए गए। किसके आधार पर बताए गए हैं? तो जो उद्गार होंगे, उद्गार में अवकाश जो उद्गार में अवकाश होता है ना, उसी अवकाश के आधार पर इसे हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में आप लोग इसे बांटते हैं अवकाशों के आधार पर।
अब उद्गार में अवकाश क्या है? हम लोग देखें कि जिन ज्वालामुखियों के मुख से हमेशा निकलने वाले पदार्थ निकलते रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से निकलने वाले पदार्थ आप लोग पढ़ चुके हैं, निकलने वाले पदार्थों के अंतर्गत गैस, जलवाष्प, विखंडित पदार्थ, लावा, जिन ज्वालामुखियों के मुख से निकलते हैं उसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। जिन ज्वालामुखियों के मुख से वर्तमान में निकलने वाले पदार्थ नहीं निकल रहे हैं लेकिन भविष्य में कभी भी निकल सकते हैं उन्हें प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें बताया जाता है कि जो प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी होती हैं, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी होंगी, ये दो प्रकार से पुनः सक्रिय अवस्था में आ सकती हैं। कौन कौन से? एक पहली स्थिति में बताया जाता है कि यह ज्वालामुखी जब सक्रिय अवस्था में रहती हैं तो उस दरमियान जो निकलने वाले पदार्थ है वो निकल जाते हैं, तो इन ज्वालामुखियों के अंदर बची हुई ऊर्जा एक तरह से देखा जाए तो समाप्त हो जाती या बहुत कम हो जाती है, और जब इनके पास शक्तियां नहीं बचती, ऊर्जा नहीं बचती, तो यह कुछ समय के लिए विश्राम करने लगती हैं या प्रसुप्तावस्था में या सो जाती हैं, और फिर से जब इसके पास एनर्जी आ जाएगी तो यह फटेगी और सक्रिय अवस्था में पुनः चली जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कहा जाता है कि इन ज्वालामुखियों में एनर्जी समाप्त हो गई है, एनर्जी को एकत्रित कर रहे हैं और पूरी तरह से एनर्जी अभी हो नहीं पाई, तब तक एकाएक कोई प्लेट विवर्तन की घटना हो जाती है और उसके कारण भी ये ज्वालामुखियां फट जाती हैं, या भूकंपीय घटना हो जाए तो ये हिलने की वजह से फट जाती हैं और पुनः ये सक्रिय अवस्था में चली जाती। लेकिन जो तीसरे प्रकार की ज्वालामुखी होती है, शांत या मृत ज्वालामुखी, इसे मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसा ज्वालामुखी जिनके मुख से अब भविष्य में कभी भी उद्गार नहीं हो सकता या कभी भी सक्रिय अवस्था में नहीं आ सकती, वैसे ज्वालामुखियों को अब शांत या मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब इन ज्वालामुखियों को आप लोग अपने ऊपर रखें, मानव के ऊपर रखें, और मानव भी इसी घटनाओं में इसी अवकाशों के आधार पर ही चलता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, और जो काम आप लोगों को सौंपा गया है पढ़ने पढ़ाने का, लिखने का, वो कार्य आप करते हुए पाए गए तो आपके लिए कहा जाएगा कि यह बच्चा सक्रिय है। जो कार्य आपको सौंपा गया है वो करते हुए आप पाए जाते हैं तो आप सक्रिय कहलाएंगे या फिर जागृत अवस्था में कहलाएंगे। आप जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सक्रिय हैं, एक्टिव है। या कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य आप लोगों को सौंपता है और उस कार्य को करते हुए आप पाए जाते हैं, तब उसे आप लोग कहते हैं कि यह सक्रिय व्यक्ति है, जो काम दिया गया है वो करते हुए पाया जा रहा है। ऐसे ही ज्वालामुखी है, जो कार्य दिया गया है वो कार्य करते हुए पाया जाए तो सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है। लेकिन आप सोचिए कि आपको कितने दिनों तक काम कराया जा सकता है? आप करिए एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, इसके बाद बिल्कुल सी थकान सी महसूस होने लगेगी, जैसे लगेगा कि अब हमारे पास एनर्जी नहीं है भाई, अब हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, हम छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं आप लोग। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, आपको उस टाइम सोना रहता है, न खाना चाहिए न पानी चाहिए, जहां मन मिले जगह वहीं पर हम सो जाएं, ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है, तो सोना जरूरी हो जाता है। क्यों सोना जरूरी हो जाता है? क्योंकि हमारे अंदर जो टिश्यूज होते हैं, जो ऊतक होते हैं, वो काम करते हैं, फिर से हमें रिचार्ज करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो वो सोने की अवस्थाओं में आप लोग जाने लगते हैं, और जब सोएंगे तो उस टाइम एनर्जी गेन कर रहे होते हैं। और फिर से जब सोचिए कि जब हम लोग कभी थकान महसूस करते हैं, अच्छे से सो लें और अपने नींद से हम लोग जागते हैं तो कितना फ्रेश महसूस करते हैं, कितना ऊर्जा हम लोगों के पास रहती है। तो जब हम सो के जगते हैं तो हमारे पास ऊर्जा आ जाती है, मतलब हम जब सोते हैं ना, घर वाले मार के हम लोगों को जगा देते हैं, उठ कितना सो रहा है, उस टाइम हम लोग एनर्जी गेन कर रहे होते हैं, लेकिन घर वालों को क्या पता है ना। तो जब हम लोग सो रहे होते हैं तो एनर्जी गेन कर रहे होते हैं, अब जब उठेंगे तो और अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे, और अच्छे से जो काम है वो करेंगे, और थोड़ा बहुत सो के उठ जाएंगे, सही से सोए नहीं रहेंगे तो एनर्जी हम लोगों की गेन नहीं हो पाती है और हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि जब कभी आपको कोई ना जगाए और उठते हैं बिल्कुल फ्रेश होके, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं या जो काम दिया जाता है कितने अच्छे से करते हैं। अब सोचिए कि हमें याद है गर्मियों में हम लोग जब छत पे सोया करते थे, बारिश के मौसम में नीचे लाइट चली जाती थी तो स्वाभाविक सा है कि जाना पड़ता था ऊपर, इन्वर्टर की तब व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग जब छत पे जाते थे तो बारिश आ जाती थी, तो लेवा लेगदी जो भी हम लोग बिछाए रहते थे
जब बारिश आती थी तो घर वाले ऐसा जगाते थे जैसे लगता था कि थोड़ा सा भी बारिश पड़ जाएगी तो हम लोग गल जाएंगे। उठ 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 चल 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 जल्दी चल जल्दी चल नीचे चल। और हम लोग भागते हुए जो भी लेवा लेकदी लिए रहते थे घिसराते हुए लेके नीचे की तरफ आ जाते थे, बिछा के फिर से सो जाते थे तुरंत। बहुत से लोग ऐसे होते थे कि कुछ जैसे उनका सामान बाहर पड़ा है तो उसको रखवाने लगते थे, हल्ला मच जाता था कि सामान रखना है, छत पे छूट गई थी और उस सामान को रखने के बाद इतना गुस्सा लगती थी कि फिर से जहां जगह मिले वहीं ढनक के सो जाएं। हम आए कुछ समय तक सक्रिय अवस्था में, जागे लेकिन फिर से सो गए क्योंकि हमें जबरदस्ती जगाया गया था। लेकिन जब हम कंप्लीट नींद से जागते हैं तो चलते हैं कुछ समय तक, ऐसे ही ये प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी भी होती है, अगर अपने से जागती है तो ये लंबे समय तक चलती है। लेकिन अगर इसे प्लेट विवर्तनी की हलचल द्वारा जगा दिया जाए तो कुछ समय तक तो जगेगी फिर से सो जाएगी। और ये ज्वालामुखियां कौन कौन सी है इसे हम लोग आगे देखेंगे। अब शांत या मृत ज्वालामुखी क्या है इसे देखते हैं। तो हम लोग सक्रिय और प्रसुप्त के अवस्थाओं में चलते रहते हैं, चाहे पढ़ेंगे लिखेंगे खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे सब करेंगे फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे फिर सब काम करेंगे फिर सो जाएंगे, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और फिर इसी बीच में हम लोग तैयारी करते करते पा जाते हैं नौकरी, शिक्षक बन जाते हैं या जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो बन जाते हैं। और बनने के बाद 60 साल 62 साल की हम लोग नौकरी करते हैं, फिर रिटायर होकर घर चले आते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग वृद्धावस्था में चले आते हैं और खाते पीते सोते रहते हैं। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि चद्दर तान के सोते हैं और हमेशा हमेशा के लिए सो जाते हैं। और फिर घर वाले जगाने का प्रयास करते हैं, फिर हम कभी नहीं जगते। बाजा बजवाया जाए, कोई आपके ऊपर चढ़ जाए कूद जाए पानी फेंक दे कुछ भी कर दे, अब आप हिलने वाले नहीं हैं उठने वाले नहीं हैं। और सब लोग उसी दरमियान कहते हैं कि यह व्यक्ति मृत हो गया है, अब प्रभु इसके आत्मा को शांति प्रदान करें। यह मृत हो गया अब इसके आत्मा को शांति प्रदान करें, अब ये कभी भी सक्रिय अवस्था में नहीं आ सकता। ऐसी ज्वालामुखी जो कभी भी भविष्य में सक्रिय अवस्था में नहीं आती उन्हें हम लोग शांत या मृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। यही तीन अवस्थाएं सक्रियता के आधार पर होती हैं जिन्हें आप लोगों को देखना है। अब इसके आप लोगों को कहां पर हैं और इसके एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर करना है, प्रसुप्त के शांत के, और यहां से आप लोगों के परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। लेकिन समय हो गया, समय अभाव के कारण अब यहां से आगे सक्रिय प्रसुप्त शांत या फिर उद्गार के आधार पर जो ज्वालामुखी है उनको हम लोग क्लियर करेंगे कल, है ना, कल करेंगे। तो सेकेंड यूनिट में हम लोगों का हो जाएगा। और ज्वालामुखियों का जो विश्व वितरण है, ज्वालामुखियों का और भूकंपों का विश्व वितरण हम एक साथ पढ़ा देंगे। ज्वालामुखी समाप्त हो जाएगा तो भूकंप पढ़ा देंगे, और ज्वालामुखी भूकंप दोनों का विश्व वितरण लगभग लगभग एक है तो उसे हम आपको क्लियर करा देंगे, और दोनों का तुलनात्मक करा देंगे तो ज्यादा अच्छा आप लोगों का रहेगा। जैसे भूकंपीय घटनाएं, जहां पर ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं वहां पर निश्चित रूप से भूकंपीय घटनाएं होती हैं, लेकिन जहां पर भूकंपीय घटनाएं होती हैं वहां पर जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी घटनाएं हों, जैसे आप लोग हिमालय वाले क्षेत्रों में देख सकते हैं। अर्थात जहां पर महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटें टकराएंगी वहां पर भूकंपीय घटनाएं तो होंगी, ज्वालामुखी घटनाएं नहीं होंगी। जहां पर महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें टकराएंगी वहीं पर ही निश्चित रूप से ज्वालामुखी घटनाएं घटित होंगी। तो ये सब कुछ हम लोग क्लियर करेंगे देखेंगे, लेकिन कल की क्लास में। कैसा लगा सेशन एक बार आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और शाम को जो 8 बजे हम लोगों की प्रैक्टिस होती है उस प्रैक्टिस में भी आप लोग जुड़िएगा, उस प्रैक्टिस में आप लोग जुड़िएगा। थोड़ा सा मेरा लैपटॉप कुछ देर के बाद अपने आप चला जा रहा है स्लीप मोड में, कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम चल रही है मुझे लग रहा है, और कमेंट नहीं देख पा रहा हूं मैं। चलिए, राम जी का आ रहा है, ओमपाल जी का है, विजय है, सत्यम राम जी हैं, बिजमा जी हैं, सभी लोगों का मैं देख पा रहा हूं कि कमेंट आना शुरू हो गया। संजय पांडे जी हैं, वंदना मौर्य हैं, सभी लोगों का कमेंट आ रहा है। देखिए, मैं निश्चित रूप से कहूंगा मैं आप लोगों का टाइम लूंगा पढ़ाने का, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक बार पूरी ज्योग्राफी को समाप्त करने के बाद फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा। इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा कि आप अब नौकरी ज्योग्राफी विषय से निश्चित रूप से लेंगे, कोई हिला नहीं सकता। बस आप लोगों का काम है कि आप लोग सुबह की क्लास को ध्यान से देखें, कोशिश करें अगर आप सीरियस हों एप्लीकेशन पे चलें, क्योंकि एप्लीकेशन पे बहुत जल्द मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं कि एप्लीकेशन पे मैं एक्स्ट्रा कुछ करूं, और निश्चित रूप से करूंगा, है ना, एप्लीकेशन पे किया जाएगा। इसके बाद जो नोट्स है उस नोट्स को आप लोग मेरे कहने से बहुत से बुक खरीदे होंगे, एक बार परचेज करिए, उसको आप अच्छे से पढ़िए देखिए।
क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना जिन्हें मैं नहीं कर पा रहा हूं, नहीं लिख पा रहा हूं। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि कितनी चीजों को मैं लिखूं, जो चीजें उसमें मैंने लिख रखा है उसे भी आप लोग देख सकते हैं, जो प्रैक्टिस है उसे आप लोग देखें। मैं ज्यादा समय मांगा नहीं हूं, आप लोग एक बार जितना आप लोगों का ज्वालामुखी है उसे आप लोग क्लियर करें। चलिए, वो कुछ मुझसे टच हो गया होगा इसलिए ऐसा हुआ। तो एक बार आप लोग टाइम हमें जरूर दीजिए, और टाइम जब देंगे तो चीजों को हम लोग क्लियर कर पाएंगे। चलिए, पुनः हम लोग जहां थे वहीं पर आ चुके हैं। तो थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिएगा और धीरे धीरे चीजें करके हम लोग कर पाएंगे। राजकुमार जी कह रहा है कितने टाइम की क्लास, बिल्कुल एक घंटे की रहती है। और कल जब हम लोग देखेंगे ना, तो कल हम लोग पूरी ज्वालामुखी, कल संडे भी है और बड़े अच्छे से हम लोग खत्म करेंगे। दो घंटे भी पढ़ना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चलिए, अनिल सोनकर जी कह रहा है पैदा हुए मर गए। चलिए, अब आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर इस पीडीएफ को आप लोगों को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आप लोग ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम को, और आपका ही टेलीग्राम है, आपको ही सहयोग करना, आपका ही चैनल है, और मैं आप लोगों के भविष्य के लिए ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आप लोग बेहतर करें, ये हम हमेशा अंतर आत्माओं से ये हमेशा संकल्पना भी लेते रहते हैं, ये हम कहते भी रहते हैं, संकल्प भी लेते रहते हैं, सोचते भी रहते हैं कि आप चीजों को अच्छा करें। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम में क्या लिखेंगे, एग्जाम तर्कस इंडिया, आप लोग एग्जाम तर्कस इंडिया टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ या फिर ज्योग्राफी का जो नोट्स है, अभी मैं बता रहा हूं कि मेरे हाथ द्वारा लिखा गया है, बहुत सी चीजें पढ़ाने में मिस हो रही है, जो चीजें काफी लेंदी हो रही है, स्वाभाविक सी बात है उसे समेटना पड़ेगा। हम कितनी चीजों को लिखेंगे, ज्वालामुखी हम लिखने लगे पूरी बातों को तो तीन तीन चक्कर क्लास हो जाएगी, तो कितना आप खुद बोर हो जाएंगे कि कितना चीजों को लिख रहे हैं। तो कुछ चीजें जो सिंपल सी होती है उसे आप नोट से पढ़ सकते हैं या कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक होता क्या है कि एक बुक में सब मैटर मिलते नहीं है, कई बुक आप लोगों को पढ़ना है, उतना समय नहीं आप लोगों के पास रहता है, फिर पढ़ाई हमारी प्रभावित हो जाती है, कुछ दिन जोश में आके पढ़ते हैं फिर किनारे एक तरफ चली जाती है बुक, फिर पढ़ाई वही हो जाती है। तो शॉर्ट चीजों को आप सिमटिए और कम समय में और अच्छा गाइडेंस के माध्यम से आप जो करना चाहते हैं उसको करिए। तो यहां पर आप लोग नोट्स प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, 9559574710 पे आप कर लेंगे कॉल, और नोट्स के बारे में सूचना लेके आप नोट्स मंगा सकते हैं। अपने घर पर बैठे रहिए, यहीं से सब कुछ आप लोगों को मैटर भेज दिया जाएगा, कहीं हिलने डोलने की भी जरूरत नहीं, कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं है, सभी के पास नोट्स पहुंच रहे हैं और आप लोगों के पास भी पहुंच जाएगा। तो नोट्स आप इस पे मंगा सकते हैं, और एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, जहां पर व्हाट्सएप फेसबुक ये सब डाउनलोड करते हैं ना, वहां पे पहुंचिए, और वहां पर पहुंचने के बाद आप उसमें लिख लीजिएगा जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम तर्कस, एग्जाम तर्कस, इसमें इंडिया मत जोड़िएगा आप लोग, एग्जाम तर्कस, और एग्जाम तर्कस में जाके आप एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेंगे, और जो चीजें फॉर्मेलिटीज मांगेगा आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें उसमें भर देंगे और आपके सामने खुल के आ जाएगा, और कोर्सेज में जाके आप कोर्सेज को देख पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। अगर इसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इस टेलीग्राम पे जाइए, एग्जाम तर्कस इंडिया पर, वहां पर लिंक दिया हुआ है, और उस लिंक को आप जाके वहां पर टच करके और क्लास को इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। तीन चीजें मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, क्लास को एप्लीकेशन पे आप अच्छे से देख लीजिए, नोट्स लेके अच्छे से पढ़ लीजिए, जो शाम को प्रैक्टिस होती है उस प्रैक्टिस को देख लीजिए, और खुद अपने आप को आप जांचिए, दो तीन महीने बाद आपको अपने आप को जांचिए, बहुत बेहतर स्थिति में आप लोग रहेंगे। अगर पूरे कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई हिलाने वाला नहीं, एक विषय में मैं गारंटी लेता हूं कोई हिला नहीं पाएगा आप लोगों, हर एक चीजों को क्रमबद्धता से, मेरी कोशिश रहती है कि जो चीजें पढ़े वो चीजें हम लोगों को अच्छे से याद भी हो जाए, तैयार भी हो जाए, और जब परीक्षा में प्रश्न आए तो उस प्रश्नों को हम गंभीरता से देखें और उसके सही उत्तर भी देके हम परीक्षा हाल से आए। इसी के साथ अब क्लास को हम समाप्त करते हैं और शाम को प्रैक्टिस में 8 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। निस्वार्थ भाव से ज्ञान, यही है एग्जाम तर्कस की पहचान। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद। जय हिंद साथियों, मैं उमेश हिराम टीचिंग के लिए TGT, PGT, GIC लेक्चरर, LT, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC
नेट एवं जेआरएफ के लिए भूगोल की बेहतरीन क्लासेस अब मैं लेकर आ रहा हूँ आपके अपने एग्जाम तर्कस यूट्यूब चैनल पर। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।